आपको आपको रिसर्च के बारे में इतनी भी ऊंची बातें बताई हैं, अभी भी आपका मन नहीं करता निकल आओगे? सितंबर पीएचडी सिस्टम सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस जो है उनको हमने जो सॉल्व करने के मेथड किए हैं अभी तक, सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेन मेथड थे वो क्लोज और ओपन मेथड्स वो हमने कर लिए हैं। ओपन मेथड्स में दो मेथड्स थे, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो हमने ये देख लिया कि वो जो सॉल्यूशन है उसको ब्रैकेट करते हैं, हम इंटरवल को शॉर्ट करते जाते हैं, इस तरह शॉर्ट करते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो उस इंटरवल में लाई करें, हम उसको ब्रैकेट करते रहते हैं। उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी ब्रैकेट ही कर रहे थे लेकिन क्वाड लाइन को यूज़ करते हुए हमने उसको किया। नेक्स्ट आइटरेटिव मेथड थे, उसमें फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड में हमने कहा कि एक फंक्शन आपने जस्ट डिफाइन करना है, उसमें फिक्स पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, उसकी कन्वर्जेंस कंडीशन हमने डिफाइन की और उसको यूज़ करते हुए जो सॉल्यूशन है वो फाइंड किया। नेक्स्ट न्यूटन-रैफसन मेथड एंड देन सेकंड मेथड। इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, ये तो था अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाते हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमने जो इनिशियली जो मेथड किए हुए हैं आपने जो इंटर लेवल पे किए हैं, गॉज एलिमिनेशन मेथड एंड गॉज जॉर्डन मेथड जो थे, ये दो मेथड्स आपने किए हुए हैं जिसमें एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट जो है हम उसमें यूज़ करते हैं। एचिलॉन फॉर्म को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि उसको दो ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। जो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म है, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि बस जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको वन वन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड कर देते हैं।
कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड करनी है। उसमें डिफरेंट मेथड इसमें चलेंगे हमारे पास। फर्स्ट वन ये मैंने सॉरी इससे पहले जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था ये उसमें कोर्स ऑफ माइंड में थे, ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए न्यूटन रैफसन मेथड था। यहाँ पे अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास a1x plus b1y plus c1d is equal to some constant d1 and a2 b2y plus c2d is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3d is equal to d3। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कोई, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि भाई कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक बना लो, साथ वेरिएबल का मैट्रिक्स आ जाएगा, साथ में कॉन्स्टेंट टर्म्स का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो वी कैन राइट दिस वन एज एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू दिस वन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स इज द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट टर्म मैट्रिक्स। ये हमारे पास इसकी मैट्रिक्स नोटेशन आ गई है। अब इस मैट्रिक्स नोटेशन में हमने गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था, फिर इनवर्स मेथड को यूज करते हुए हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था कि भाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में आप a का इनवर्स फाइंड करो और उसको b से मल्टीप्लाई करके वहां से हम जो वेरिएबल्स हैं x के उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फिर क्रैमर रूल हमने यूज किया था, क्रैमर रूल्स को यूज कर सॉल्यूशन फाइंड किया था। क्रैमर रूल क्या कहते हैं कि भाई आप डी वन डी टू डी थ्री वो फाइंड कर लो, ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें एक्स के लिए आप फर्स्ट वेरिएबल के लिए जो फर्स्ट कॉलम है वो आप चेंज कर दो कॉन्स्टेंट टर्म से, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, उसको डिवाइड कर दो ए के डिटर्मिनेंट से, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड के लिए सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दो, थर्ड वेरिएबल के लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास जो था क्रैमर्स रूल था। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स में हमने क्रैमर रूल से आगे चलेंगे तो एल यू डी कम्पोजिशन मेथड आ जाएंगे हमारे पास। एल यू डी कम्पोजिशन मेथड जो है उसमें हम तीन मेथड डिस्कस करेंगे, क्राउस मेथड, सॉलिटॉन मेथड एंड चुरस्की मेथड, ये तीन मेथड्स आ जाएंगे उसमें। और हमारे पास दो मेथड यहाँ पे आ जाएंगे, एक आइटरेटिव मेथड में जो है हमारे पास गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड एंड जैकोबीज आइटरेटिव मेथड, ये दो मेथड्स हमारे पास इसमें चलेंगे। आइटरेटिव मेथड्स में वो कह रहे हैं वी हैव स्टडीड सम डायरेक्ट मेथड दैट यील्ड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कंप्यूटेशन दिस रिलेशन टू लीनियर इक्वेशन, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि उसमें क्रैमर रूल आ जाएगा, इनवर्स मेथड आ जाएगा, उसके अलावा बाकी गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड ये वाले आ जाएंगे। नाउ वी डिस्कस द आइटरेटिव ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स, आइटरेटिव ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स, आइटरेशन मेथड इसमें आ जाएंगे। इनके लिए भी वही चीज़ है कि हमने हमारे पास वहाँ पे एक इक्वेशन थी तो उस इक्वेशन के लिए एक आइटरेटिव फॉर्मूला डिफाइन कर देते थे और उसको सॉल्व कर देते थे। यहाँ पे भी हमने इसी तरह करना है, जैसे वहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए हमें मेथड को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे भी मेथड को सॉल्व करने के लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन किस तरह से पिक करेंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बात को ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उनके लिए हम एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन करेंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से डिफाइन करने The method of iteration is not applicable to all system of equations. Case में जो है एक particular चीज है कि ये iterative method जो है तमाम systems पे applicable नहीं। किन systems पे applicable है उसके लिए उसने बताया, for this each equation contain a much larger coefficient than the other in that equation. In other words, इसको हम ये उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है डायगोनली डोमिनेंट होगा। डायगोनली डोमिनेंट के कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, डायगोनली डोमिनेंट मीन्स के जो उसके डायगोनल पे एंट्रीज आ रही होंगी वो उस रो में बाकी तमाम एंट्रीज के स्क्वेयर के सम से उसका स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर होगा। Diagonally dominant means if
है आगे चल के ये वाली चीज अभी आएगी, मैं वहाँ पे इस चीज को अगेन एक्सप्लेन करूंगा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रहे कि आइटरेटिव मेथड सिर्फ उन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जो डायगोनली डोमिनेंट होंगे। डायगोनली डोमिनेंट क्या है उसकी आगे चल के एग्जांपल की आएगी, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दिस रिलेशन टू द आइटरेटिव मेथड एग्जिस्ट ओनली इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग कोएफिशिएंट्स इन ईच इक्वेशन। ये डायगोनली डोमिनेंट का मतलब है कि हर रो में आपके पास जो वो डायगोनल वाली एंट्री है वो जो है वो बाकी तमाम एंट्रीज के सबसे ग्रेटर होनी चाहिए, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। ये डायगोनली डोमिनेंट का मतलब है। जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन, जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन में वो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आएगा एक ही जैकोबी मेथड ऑफ आइट्रेशन है। इससे आगे हमारे पास गॉसियन आइटरेटिव मेथड आ जाएगा। इसमें वो क्या कह रहे हैं देखो, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन a1x b1y c1 इज इक्वल टू d1 एंड सिमिलरली a2x b2y c2 इज इक्वल टू d2 a3x b3y c3 इज इक्वल टू d3 दैट a1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस c1 एब्सोल्यूट वैल्यू। सिमिलरली b2 absolute value is strictly greater than a2 absolute value plus c2 absolute value, and similarly c3 absolute value is strictly greater than a3 plus b3। means ki ye jo diagonal pe entries aa rahi hain jab hum iska coefficient matrix banayenge, coefficient ka matrix banayenge, to ye entries diagonal pe hi aayengi na, a1 b2 c3। so wo ye keh raha hai ki ye jo hai ये जिस रो में आएंगी ये एंट्री डायगोनल वाली, उस रो की बाकी तमाम एंट्रीज के सामने ये एंट्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो फिर ये हमारे पास जो आइटरेटिव मेथड है ये एप्लीकेबल है। ये कंडीशन किस वजह से है, ये कंडीशन भी आगे जिस टाइम हम वो आइटरेटिव फॉर्मूला डिफाइन करेंगे वहाँ पे ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी कि वो ये कंडीशन किस लिए रख रहा है, कन्वर्ज करवाने के लिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हमारे पास इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि हम सॉल्यूशन को कन्वर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कन्वर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कन्वर्ज करने के लिए ये कंडीशन, क्योंकि अगर ये कंडीशन है तो ये ऑटोमेटिकली उस सॉल्यूशन को रूट की तरफ कन्वर्ज करवाएगी। इसको डायगोनली डोमिनेंट भी बोलते हैं इस चीज़ को। दैट इज इन ईच इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स आर लार्जर। नाउ सॉल्विंग फॉर y z वी गेट, हम इस चीज़ को x, y और z के लिए अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें जो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को हम x के लिए करेंगे, सेकंड इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे, थर्ड इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने इसको जो है वो डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन बनाई है। फर्स्ट वन को जिस टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं x के लिए, फर्स्ट वन को एक्स के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बाकी तमाम टर्म्स को उस साइड पर ले जाएंगे, b1 y ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, c1 z जो है ये भी नेगेटिव का हो जाएगा, और a1 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी 1 ओवर a1 into d1 माइनस b1 y माइनस c1 z। सिमिलरली इक्वेशन को हम y के करते हैं तो b2 वाली टर्म यहीं पर ही रहने देंगे, डायगोनली डोमिनेंट वाली जो टर्म्स हैं बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाए, ये भी नेगेटिव तो जी भी नेगेटिव कर देगा, और b2 से हम डिवाइड कर देंगे, जो हमने b2 से डिवाइड कर लिया। सिमिलरली c इज इक्वल टू 1 ओवर c3 इनटू d3 माइनस a3x माइनस b3y। जो वो डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे आ गई कि डायगोनली डोमिनेंट था उधर अपनी रो में सबसे ग्रेटर था वो डिवाइड हो रहा है, b2 ग्रेटर था अपनी रो में वो डिवाइड हो रहा है, सिमिलरली c3 से ये डिवाइड हो रहा है। ये डायगोनली डोमिनेंट होंगे तो ये जब यहाँ पे आके डिवाइड होंगे हम इस पे आइटरेटिव फार्मूला लगाएंगे, ये ऑटोमेटिकली उसको रूट की तरफ कन्वर्ज करवाएंगे। ये ग्रेटर होंगे, ये नंबर बाकी दोनों के सम से ग्रेटर होंगे तो ये हमें कन्वर्ज करवाएंगे रूट की तरफ। इसलिए वो डायगोनली वाली कंडीशन थी कि भाई ये डायगोनली डोमिनेंट होने चाहिए हमारे यहाँ पे। अब एक्स वाई और जेड के लिए ये इक्वेशन बन गई है, हमें कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए,
एक्स वाई और जी की कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, हम कह देते हैं लेट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अननोन एक्स वाई एंड जी। एक्स नॉट की वैल्यू कुछ भी ले लो, वाई नॉट की वैल्यू कोई भी ले लो, जी नॉट की वैल्यू कोई भी आप पिक कर सकते हो। ये पिक किस तरह से करेंगे, जब एग्जांपल करेंगे वहां पे ये डिफाइन कर देंगे। अभी तो मेथड के लिए वो ये कह रहे हैं कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आप कंसीडर कर लो। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है तो फिर हमारे पास यहाँ पे x की जगह पे x नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x नॉट y नॉट z नॉट को यूज करेंगे तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएंगी x1 y1 और z1, इनको हम नाम दे देंगे x1 y1 और z1 का। x नॉट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट इन अबव इक्वेशन विल गेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगी कि x जो है वो x1 बन जाएगा, y की वैल्यू y1 और z की वैल्यू z1, वो बेटर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास बन जाएंगे। x1 is equal to 1 over a1 d1 minus b1 y0 minus c1 z0, y की जगह पे y0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, z की जगह पे z0 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास x1 अप्रोक्सीमेशन आ गई है बेटर अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली y1 is equal to 1 over b2 d2 minus a2 x0 minus c2 z0 over z1 is equal to 1 over c3 d3 minus a3 x0 minus c3 y0, हमारे पास के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ गई है। अब ये फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने कंसीडर की थी तो यूज करते हुए हमने बेटर अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लिया। अब इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे x2 y2 एंड z2। सिमिलरली x की जगह पे x1 यूज कर लेंगे, y1 और z1 इनको यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1 इन अबव इक्वेशन वी गेट सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज x2 is equal to 1 over a1 into d1 minus b1 y1 minus c1 z1 and y2 is equal to 1 over b2 d2 minus a2 x1 minus a2 z1 and z2 is equal to 1 over c3 d3 minus a3 x1 minus c3 y1। x1 y1 और z1 को use कर लिया हमने तो second approximation find कर ली x2 y2 z2। similarly x2 y2 z2 को use करेंगे और x3 y3 z3 find कर लेंगे, उसको use करेंगे x4 y4 z4 find कर लेंगे और अब तो सवान एंथाइटेशन का मान हम जाते जाएंगे अंटिल वी गेट आउट डिजायर्ड एक्यूरेसी। जो हमने एक्यूरेसी हमसे रिक्वायर की होगी हम जब तक वो ट्रेन नहीं कर लेते तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे रिपीट करते रहेंगे। अब ये डिपेंड कर रहे हैं कि कितनी एक्यूरेसी डिजायर की है। बात वही है कि अगर तो उसने कहीं पर नहीं हमें पूछा होगा तो कम से कम तीन डेसिमल प्लेसेस तक हम उसको ब्रेक थ्रू फाइंड करेंगे। अगर उसने कह दिया तीन थ्री टू फोर जैसे हम तेज तक करेक्ट रूट फाइंड करो तो हम उस स्टेज पे जाके स्टॉप करेंगे जहाँ पे तीनों वेरिएबल्स के उतने डिजिट्स रिपीट हो जाए। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आप करेक्ट रूट फाइंड करो तो हम वहाँ पे जाके स्टॉप करेंगे जहाँ पे x भी थ्री डिजिट्स तक रिपीट हो जाए, y भी थ्री डेसिमल पे रिपीट हो जाए और ऐसी स्टेज आएगी इन मेथड में, ऐसी स्टेज आएगी के हो सकते हैं x1 जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गया है, y1 y नहीं हुआ या z नहीं हुआ तो आगे चलाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में हो सकता है y हो जाए अभी z नहीं हुआ तो इसको आगे चलाएंगे, हो सकता है तब तक x1 जो है वो 4 टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो जाए, लेकिन हमें करेक्ट तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो z को भी वहां तक रिपीट होना पड़ेगा और सबसे एंड पे z ही रिपीट हुआ करेगा ना। ये इस मेथड में इसी तरह ही चलेगा x1 z1 y1 and z1 तीनों, और हमेशा ऐसा नहीं है लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे तीनों उतने डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो जाएंगे वहाँ पे जाके हम मेथड को सॉल्व कर, ये हमारे पास आइटरेटिव मेथड आ जाएंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके मैंने कहा इसकी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर दिया आप लोगों ने। कुछ स्टूडेंट नहीं थे ना लास्ट लेक्चर में, थे फिजिकली कम थे लास्ट लेक्चर में, आज ज्यादा आए तो पढ़ने का मजा भी तो आया।